पाकिस्तान में मच गया हाहाकार। पाकिस्तान के अध्यक्ष रमीज राजा को मिली जान से मारने की खुली धमकी। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध पिछले काफी समय से अच्छे नहीं है। सुरक्षा के चलते पाकिस्तान में भी काफी समय तक क्रिकेट नहीं खेला गया। लंबे समय तक पाकिस्तान टीम का घरेलू मैदान भी यूएई रहा है। हालांकि अब वहां क्रिकेट की वापसी हो गई है और कुछ टीमों ने पाकिस्तान का दौरा भी किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी देश में इस खेल की वापसी के लिए पूरा दम लगा रहा है और विदेशी टीमों को कड़ी सुरक्षा देने का वादा करके अपने देश में खेलने का न्योता भी दे रहा है। पिछले साल न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था, मगर सुरक्षा अलर्ट के कारण टीम पाकिस्तान दौरा बीच में ही रद्द करके लौट गई थी। पीसीबी की क्रिकेट जगत में काफी आलोचना भी हुई थी। अब पीसीबी के अध्यक्ष रमीज राजा ने सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि वो खुद ही सुरक्षित नहीं है। रमीज ने खुलासा किया है कि वो खुद सुरक्षा खतरे की वजह से बुलेट प्रूफ वाहन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ये बात खेल मामलों की अस्थायी सदस्य समिति से कही है। पाकिस्तान के एक पत्रकार के अनुसार रमीज राजा ने कहा है कि मुझे जान से मारने की एक गंभीर धमकी मिली है, जिसके बाद मैंने आने जाने के लिए खास व्यवस्था की है जिसमें बुलेट प्रूफ कार भी शामिल है। बोर्ड अध्यक्ष के रूप में मिलने वाले लाभ और भत्तों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में रमीज राजा ने कहा है कि वह पीसीबी के लिए बड़ा वित्तीय बोझ नहीं है, क्योंकि कुछ अन्य चीजों के अलावा वह अपने चिकित्सा खर्चों का भी खुद ही ध्यान रखते हैं। इस बैठक की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा है कि रमीज राजा ने समिति के सदस्यों से कहा था कि सुरक्षा खतरों के कारण उन्होंने बोर्ड की बुलेट प्रूफ वाहन का इस्तेमाल किया है। वह इसके अलावा पीसीबी से कोई भी लाभ लेने से बचते रहे हैं। उन्होंने बताया है कि समिति के किसी भी सदस्य ने सरकार बदलने के बाद रमीज से बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके भविष्य के बारे में नहीं पूछा है। किसी ने इस्तीफा देने के बारे में भी नहीं पूछा है। पाकिस्तान में आमतौर पर केंद्र सरकार के बदलने से बोर्ड का अध्यक्ष भी बदल जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।